नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है, अगर आप लोग फेसबुक पेज चलाते हैं तो उन लोग के लिए ये वीडियो है। तो मान लीजिए मैं फेसबुक ओपन किया और अपने पेज पे पहुंच जाते हैं, जैसे मार्कंडेय सिंह मेरा एक फेसबुक पेज बना हुआ है। तो आप लोग देखते हैं कि आपका जो भी वीडियो है, देखिए ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो इस वीडियो में ऊपर कोई भी फोटो या थंबनेल नहीं लगा है, लेकिन इस वीडियो में मैं लगाया हूँ, आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में भी लगाया हूँ और इस वीडियो में भी लगाया हूँ। तो आप ये सब फोटो कैसे लगा सकते हैं, इस वीडियो में मैं लगा के दिखाने वाला हूँ। और कौन सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको क्रोम ब्राउज़र पर नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक ऐप बता रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आज चलता हूँ बैक, जैसे हम आ गया हूँ बैक आने पर आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है क्रेडिट स्टूडियो। ये इस तरीके का सर्च करेंगे आप क्रेडिट स्टूडियो, तो यहाँ पर आपको ये वाला मिल जाएगा ऐप। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, जैसे कि YT स्टूडियो यूट्यूब के लिए बनाया है, वैसा ही फेसबुक ने अपना भी क्रेडिट स्टूडियो बना दिया है। तो आप यहां से थंबनेल लगा सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं। तो चलिए मेरा तब तक डाउनलोड होता है, तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूं। हां तो दोस्तों, अब मैं इस ऐप को ओपन करेंगे, आप लोग देखते रहिए। जैसे कि मैं आ जाता हूं बैक, देखिए मैं बैक आ चुका हूं, अब मैं इस ऐप पर आ चुका हूँ। जैसे इस ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है, आप देख सकते हैं। तो आपका अगर इस तरह नहीं आ रहा है तो आपके मोबाइल में जो भी Gmail ID है, पासवर्ड और Gmail ID डालकर लॉगिन कर लें। तो मेरा पहले से ही आ गया मार्कंडेय कुमार सिंह, और इस पे मैं किया टच। अब थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। देखिए दोस्तों, अभी मेरा ये लॉगिन हो चुका है, मेरा दो पेज बना हुआ है, तो मैं मार्कंडेय सिंह वाले पेज में लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा यहाँ पर लगा है। तो आप इसमें कैसे लगाएंगे थंबनेल, अगर आप थंबनेल बना कर रखे हैं तो आप यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, 3 डॉट पे जैसे टच करेंगे यहाँ तो एडिट पोस्ट दिखाई दे रहा है, एडिट पोस्ट पे जैसे टच करेंगे कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐड दिया है, तो इस ऐड वाला ऑप्शन पे टच करेंगे और यहाँ पर अलाउ करेंगे तो आपको गैलरी में, आपके गैलरी में लेके चला जाएगा। तो गैलरी में जाने के बाद आप जहाँ पर बैनर पोस्टर बना कर रखे हैं, बैनर पोस्टर मतलब थंबनेल जहां पर बना कर रखे हैं, वहां से आप ले लें। जैसे कि मैं बना कर रखा हूं पिक्सल लैब, देखिए मेरा पिक्सल लैब है, मैं पिक्सल लैब में पहले से बना के रखा था, यहां से नेक्स्ट किया, आप देख सकते हैं यहां पर लग चुका है। यहां पर टाइटल, यहां पर वीडियो डिस्क्रिप्शन, यहां पर लिख सकते हैं आप मोबाइल से PDF फोटो कैसे बनाएं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर सेव में कर दिया, देख सकते हैं ये सेव हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी रिफ्रेश किया और देखिए ये थंबनेल लग चुका है। मैं जाता हूँ अपने फेसबुक पेज पर, यह है मेरा फेसबुक, यह है पेज, यहाँ पर भी ऐसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आता हूँ, देखता हूँ मेरा लगा कि नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लग चुका है।
देखिए मेरा यहाँ पर थंबनेल लग चुका है, तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।